नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू। डॉक्टर के साथ मौजूद रहेंगी प्रियंका, तबियत बिगड़ी तो घर जा सकेंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने बताया कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें वापस जाने दिया जाएगा। उनके लिए एक मेडिकल ऑफिसर को दूसरे कमरे में बैठाया गया है, वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सोनिया के वकील पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में ईडी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का भी एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें महिलाएं अपने हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च भी निकाला। वहीं सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है और इसी दौरान शशि थरूर हिरासत में ले लिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 12 बजे के बाद से लगातार पूछताछ सोनिया गांधी से जारी रही। इस मामले में फिलहाल राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया। पुलिस की ओर से 9 बजे से 2 बजे तक गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरेजिस जंक्शन, क्यू पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आजाद रोड जंक्शन और मान सिंह रोड जंक्शन पर जाने से बचने के इस दौरान लोगों को सलाह दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तिलमिलाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये झटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? वहीं सुरजेवाला बोले, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम ना दबेंगे और ना झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। पहले भी ईडी सोनिया गांधी को समन भेज चुके हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने ईडी से समय मांगा था। सोनिया गांधी इससे पहले ईडी की नोटिस पर 8 जून, 11 जून और 23 जून को नहीं पहुंची थी।